नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश के टॉप 5 मौर्य समाज के नेता के बारे में। आइए जानते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1 अमरनाथ मौर्य। अमरनाथ मौर्य प्रयागराज शहर के पश्चिमी धूमनगंज के इलाके के जयंतीपुर प्रीतम नगर के रहने वाले हैं। वह BA LLB तक पढ़ाई की। यह छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे। जनता दल से सक्रिय राजनीति की शुरुआत करने वाले अमरनाथ ने वर्ष 1995 में बसपा की सदस्यता ग्रहण की। वर्ष 1996 में बसपा की सरकार बनने पर जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया। वर्ष 2002 में शहर पश्चिमी से माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बसपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें लगभग 24,000 मत मिले थे। वर्ष 2010 में इलाहाबाद कौशाम्बी जिला सहकारी बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 2016 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और वर्ष 2018 में दोबारा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 2022 में सपा में शामिल हो गए। पार्टी ने शहर पश्चिमी से प्रत्याशी घोषित किया था। किन्हीं कारणों से पर्चा दाखिल करने के बाद टिकट काट दिया गया था और उनका टिकट ऋचा सिंह को थमा दिया गया था, जो खुद चुनाव हार गई। भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह ने उन्हें 29,000 मतों से हरा दिया। अमरनाथ को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फूलपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां उन्हें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने फूलपुर लोकसभा सीट से अमरनाथ को प्रत्याशी बनाया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2 डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य। डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य का जन्म 20 अक्टूबर 1969 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के अकाथा गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव में की। उन्होंने अपनी PhD तक पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़ाई के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। अनिल कुमार मौर्य वर्ष 2007 में मिर्जापुर में राजनगर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। हालांकि वर्ष 2012 में अपना दूसरा चुनाव हार गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए वर्ष 2016 में बसपा से निकासित कर दिया गया था। निष्कासन के बाद डॉक्टर अनिल कुमार मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 2017 में सोनभद्र जिले की घोरावल विधानसभा सीट से वो विधायक चुने गए। नंबर 3 बहोरन लाल मौर्य। बहोरन लाल मौर्य का जन्म फिरोजपुर में हुआ था। बहोरन लाल मौर्य साल 2017 विधानसभा चुनाव में बरेली की भोजीपुर सीट से BJP से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। पिछड़ा वर्ग से आने वाले बहोरन लाल मौर्य साल 2022 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। विधायकों की संख्या को देखते हुए BJP को MLC के लिए उन्हें निर्विरोध चुना गया। बता दें, UP विधानसभा परिषद में एक सीट पर उपचुनाव होना था। सपा से MLC रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद हाल ही इस सीट पर BJP ने मौर्य कार्ड खेला था। BJP ने बहोरन लाल मौर्य को चुनाव में मैदान में उतारा था। उन्हें लोगों ने निर्विरोध MLC चुन लिया था। नंबर 4 स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़ जिले के चकवड़ गाँव कुंडा में हुआ था, लेकिन अपनी सियासी कर्मभूमि के लिए रायबरेली के उचाहार को चुना। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में स्नातक और MA की डिग्री हासिल की है। स्वामी प्रसाद वर्ष 1980 में राजनीति की सक्रिय रूप में कदम रखा। वह इलाहाबाद युवा लोकदल की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और जून 1981 से 1989 तक महामंत्री पद पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक चुनावी किस्मत आजमाने के लिए दलमाऊ विधानसभा सीट को, जिसे वर्तमान में उचाहार सीट के नाम से जानी जाती है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बचपन गरीबी में गुजरा। स्वामी प्रसाद मौर्य को उचाहार में सियासी ठिकाना उनके ही मौर्य जात के रामनाथ सेठ ने दिया। स्वामी प्रसाद को चुनाव लड़ने के लिए रामनाथ सेठ आर्थिक मदद के साथ साथ सामाजिक तौर पर भी मौर्य को जोड़ने के लिए काफी मशक्कत की थी। स्वामी प्रसाद उचाहार में रामनाथ के घर पर रहकर चुनाव लड़ा करते थे। लोकदल से लेकर जनता दल से कई बार चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। वर्ष 1991 से 1995 तक जनता दल में रहे, लेकिन मायावती के पहली बार CM बनते ही बसपा का दामन थाम लिया। वर्ष 1996 में
स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार दलमऊ सीट से विधायक बने और दोबारा इसी सीट से वर्ष 2002 में जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इस बीच मायावती सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन वर्ष 2007 में बसपा की लहर में उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती ने हारने के बाद भी अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया। वर्ष 2009 में कुशीनगर के पडरौना सीट से उपचुनाव में जीतकर विधानसभा में पहुंचे, जिसके बाद से लगातार 3 बार इसी सीट से चुनाव जीता। ऐसे में उन्होंने अपनी उचाहार सीट को अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य अशोक मौर्य को सौंप दी। हालांकि 2 चुनाव से इस सीट पर अशोक मौर्य लड़ रहे थे, लेकिन मामूली वोटों से हार जा रहे थे। साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा छोड़ा तो मुलायम सिंह, शिवपाल यादव और आजम खान ने उन्हें सपा में आने का खुला न्योता दिया था। हालांकि उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा साल 2003 में 2012 से 2017 तक सपा की सरकार रही, तो स्वामी प्रसाद बसपा के विधायक दल के नेता थे। प्रतिपक्ष के नेता होने के साथ ही अखिलेश और मुलायम के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2009 में अपनी बेटी संगमित्रा मौर्य को मानपुरी सीट से मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारा था। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। वे मौर्य समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में मौर्य जात का 6% वोट है। ऐसे में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौर्य समाज का कद्दावर नेता माना जाता है। बसपा में रहते हुए उन्होंने अपने समाज में एक अच्छी पार्टी बनाई, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक उनकी पकड़ मानी जाती है। इसी के दम पर वो सियासी सौदेबाजी भी करते रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल पहले बसपा छोड़ने के बाद खुद की पार्टी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी किया था। हालांकि बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उत्तर प्रदेश में उनकी मौर्य कुशवाहा शाक सैनी की जात 6% ही वोट है। ऐसे में उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ख्वाब त्याग कर बीजेपी का दामन थामना ही ठीक समझा। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, योगी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, बसपा की तरह सियासी कद हासिल नहीं कर सका। ऐसे में 2022 के चुनाव ऐलान के साथ ही उन्होंने बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हो गए। बाद में सपा ने उन्हें MLC बनाया, फिर कुछ दिनों बाद सपा छोड़ अपनी खुद की पार्टी का गठन कर। नंबर 5, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य का कौशाम्बी जिले में हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में सिराथी विधानसभा क्षेत्र से की, लेकिन उन्हें इस विधानसभा सीट से त्रिपुरा पाल से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से नामांकन किया, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार 2 बार हार का सामना करने के बाद वर्ष 2012 में उन्हें सिराथी सीट से विधायक के रूप में चुना गया। 2 बार विधायक बने रहने के बाद वर्ष 2014 में केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव में फूलपुर क्षेत्र से सांसद चुना गया। उसके बाद प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर काम किया। केशव प्रसाद के कुशल नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सारी पिछड़ी जातियों को भाजपा की तरफ लामबद्ध किया गया और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में बंपर जीत हासिल हुई थी। भाजपा की जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी काफी जोरों पर रही। बाद में इस अटकलों पर विराम लगा। 2017 में बीजेपी की लहर बनने के बाद योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री और PWD मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।